ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जीवित पुत्रिका व्रत 2021। जी हाँ, अश्विन महीना में कब है जीवित पुत्रिका व्रत, आपका ये सवाल होगा। तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। खास बात क्या, तो जीतिया की कथा आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और जीतिया पर्व के पूजा की विधि हम बताएंगे। साथ ही साथ आपको जरूर बताएंगे कि जीतिया पर्व किस दिन आपको व्रत का आपको भूखना है, यानी कि आपको फास्ट करना है, और कौन से दिन नहाए खाए है, और किस दिन आपको पारण करना है। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिएगा। अश्विन महीना जो होता है वो सातवां महीना होता है। इस महीने में कई व्रत और त्यौहार पड़ते हैं। ये त्यौहारों का लगभग महीना ही कहा जाता है। इन्हीं में से जीवित पुत्रिका का व्रत भी है। इस व्रत को जीतिया भी कहते हैं कई जगह पर। ये व्रत हर साल अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष यानी कि अंधेरी रात की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। इस बार जीतिया का व्रत 29 सितंबर 2021 को पड़ रहा है। जीतिया का पर्व जो है, व्रत जो है, वो पुत्र के लंबी आयु के लिए, पुत्र के आरोग्यता के लिए, यानी कि रोग न हो उसको, इसके लिए किया जाता है। इस व्रत को गंधर्व के एक राजकुमार रहे हैं जिमूतवाहन, उनके नाम पर रखा गया है। तो जानते हैं कि इससे महत्वपूर्ण बातें क्या क्या जुड़ी हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कैसे रखते हैं। जी हाँ, तो जीतिया का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है। क्या किया जाता है, तो व्रत के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, यानी कि पानी तक नहीं पीती हैं, तो कुछ खाने का सवाल ही नहीं है। इस व्रत में सप्तमी के दिन नहाए खाए का नियम होता है। उसके बाद अष्टमी से लेकर के नवमी तिथि के दिन पारण किया जाता है। तो होता क्या है कि सप्तमी तिथि वाले दिन महिलाएं जो होती हैं वो सूर्यास्त के बाद से कुछ नहीं खाती हैं। महिलाएं सप्तमी के दिन नहाए खाए के बाद से निर्जला उपवास करती हैं और नौमी तिथि को व्रत का समापन करती हैं, यानी कि लगभग 36 घंटा लगातार फास्ट रहती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी कर्मों से, यानी कि कर्मों का जितना फल है वो दे करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया था, क्योंकि उसको शक्ति से गर्भ में ही मारा गया था, तो उससे भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा किया था। तब से जितनी स्त्रियां हैं वो सभी अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत करती हैं। माना जाता है कि जो महिलाएँ इस व्रत को पूरी आस्था के साथ रखती हैं उनके संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इस व्रत के फलस्वरूप क्या होता है, तो संतान को अच्छी आयु मिल जाती है, रोग नहीं होता है, सुखी जीवन मिल जाता है, और हर माँ, दुनिया की चाहे कोई भी माँ हो, अपने बच्चे के लिए यही चाहती है। तो सवाल ये आता है कि आखिर इसका शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे आपको किस दिन नहाए खाए करना है, किस दिन आपको व्रत रखना है और कब पारण करना है। तो आइए इस सवाल का भी जवाब आपको हम दे ही देते हैं। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत जो है वो 28 सितंबर के यानी कि दिन मंगलवार को शाम के समय 6:16 पर ही स्टार्ट हो जा रहा है। इस तिथि का समापन जो होगा वो 29 सितंबर को रात के 8:29 पर होगा। अब चूंकि शास्त्र हमारा उदया तिथि को लेता है, इसीलिए 29 को व्रत रखेंगे आप। 29 सितंबर के दिन माताएं निर्जला व्रत रखेंगी और अगले दिन 30 सितंबर को सुबह उठ करके स्नान, ध्यान, पूजा करने के बाद व्रत का पारण करेंगी। सूर्योदय के बाद पारण कीजिएगा, 12 बजे से पहले पारण कर लीजिएगा, बेस्ट समय है। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के बाद का पारण जो होता है वो बहुत ही शुभ होता है। तो ऐसी मान्यता है कि बिना पारण किए कोई भी व्रत पूरा नहीं होता है, तो इसीलिए आप पारण जरूर कीजिएगा। और उस समय पर अगर कुछ दान में आप निकाल सकें जो कि दे के जरूरतमंद को, तो और अच्छी बात होगी। किसी आप जानकार जो ज्ञानी हों, पंडित हों, उनको दान दे दीजिए, या फिर आप किसी ज़रूरतमंद को कुछ दान देना चाहते हैं तो वो दे दीजिए, ये अच्छा होता है। तो इस प्रकार से जीतिया का पर्व मनाया जाता है। तो एक बार तो सभी माताओं को दिल से नमस्कार, और आप सभी को जीतिया पर्व की हार्दिक शुभकामना अग्रिम ही। इस वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। चूंकि ऐसी नई जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।